फुटपाथ बनाया गया पैदल लोगों के चलने के लिए, ताकि वो रोड के ऊपर ना चले। फुटपाथ इंसानों के चलने के लिए बनाया गया। जी हाँ, यहाँ सभी को पता है कि सड़क किनारे फुटपाथ बनाने का मकसद क्या है, मगर ये मकसद पूरा क्यों करो, क्योंकि फुटपाथ पर तो एक नई ही दुनिया बसी है। नई दुनिया जहाँ फुटपाथ पर लोग नहीं चलते बल्कि कई लोगों के घर चलते हैं। पहले दुकानें और ये फुटपाथों के ऊपर लगी हुई, नाई बैठे हुए हैं, कई मौजी बैठे हुए हैं, तोतों वालों ने, फाल निकालने वालों ने कब्जा किया हुआ है, जाली दांत बनाने वाले बैठे हुए, जाली शोरबा बेचने वाले बैठे, किसी ने जनाब बर्गर लगाए हुए हैं, किसी ने चिप्स लगाई हुई है। जी जनाब, पता चला फुटपाथ के बासी किसी की चलने देते हैं न किसी को चलने, बस अपनी ही चलाते हैं, क्योंकि फुटपाथ उनका घर चलाता है। आप नहीं चल पा रहे तो क्या हुआ, इनका तो चल रहा है, भला क्या काम जनाब काम। ₹5,000 फुटपाथ जो है पैदल चलने वालों के लिए है, तो भाईजान इस पे चला जाए। फुटपाथ मेरी जिंदगी है, फुटपाथ मेरी रोजी है, फुटपाथ मेरी सब कुछ है। हम सड़कों पे चल रहे हैं। ₹5,000। लीजिए सुन ली इनकी, पता चला फुटपाथ का मकसद क्या है। भाई ये नहीं मानने वाले, आप कुछ भी कहते रहें, आप कहीं भी चलते रहें, चाहे सड़क पर। जी हाँ, सड़क जो गाड़ियों के चलने के लिए है, मगर ये साहब अच्छे खासे पढ़े लिखे मुंह उठाए सड़क पर चले आ रहे हैं, वो क्यों? जब फुटपाथ पे गाड़ियाँ और बाइक्स खड़े होंगे तो पैदल चलने वालों को फिर रोड पे चलना पड़ेगा। अगर हम आम पब्लिक को चलने के लिए जगह नहीं देंगे तो जाहिर बात है वो ट्रैफिक में खलल पैदा करेंगे, वो सड़कों पे चलेंगे। तो इन समझते हैं फुटपाथ पे चलना। लो जनाब, कर लें जो करना है, यहाँ तो गाड़ियाँ फुटपाथ पर खड़ी हैं और लोग सड़कों पर चले आ रहे हैं। सड़कें जिनके किनारे बनाए गए फुटपाथ अगर गाड़ियों की पार्किंग से बच भी जाएं तो लोगों की एंजॉयमेंट से बच नहीं पाते। अगर फुटपाथ बोलता तो हम सबसे यही कहता कि मैं तो आप लोगों के चलने के लिए बनाया गया हूँ, मगर हमारे यहाँ फुटपाथ पर इतने लोग नहीं चलते जितना लोगों का रोजगार चलता है। इस उम्मीद के साथ कि आइंदा मैं और आप सड़क पर नहीं बल्कि फुटपाथ पर चलेंगे। कैमरामैन मुदस्सिर दाऊद के साथ फयाज राजा, समा, रावलपिंडी।